आज हम आपको बताएंगे महाभारत के युद्ध की 13वें दिन की कहानी, जब अभिमन्यु अपने रथ से चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार बैठा था। कौरवों की सेना थर थर कांप रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक अलग ही मंजर था। आज हम आपको एक खास विषय पर ये भी बताएंगे, एक ऐसे शहर के बारे में भी बताएंगे जहां का बच्चा बच्चा चक्रव्यूह भेदना जानता है। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां का बच्चा बच्चा चक्रव्यूह भेदना जानता है, मानो उनके लिए एक खेल हो। हाँ, वही चक्रव्यूह जो अभिमन्यु को भेदना आता था। महाभारत में ऐसा योद्धा जिसकी आयु सबसे कम थी, लेकिन फिर भी उसकी वीरता को देखकर खुद कौरव भी हैरान थे। अभिमन्यु ऐसा योद्धा था जो अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह भेद सकता था, लेकिन कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के पेट में था तब उसी दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की युक्ति सुभद्रा को बताई थी, लेकिन सुभद्रा सुनते सुनते बीच में ही सो गई, इसीलिए वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाले अंश को ही सुन सकी, जबकि चक्रव्यूह से बाहर आने वाले भाग से पहले ही वो सो गई थी। इस कारणवश अभिमन्यु को चक्रव्यूह का आधा ही रहस्य पता था। कहा जाता है कि महाभारत में चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु अकेले ही उतरा था, लेकिन आखिरी चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही कौरव सेना ने युद्ध के नियमों को तोड़ दिया, अभिमन्यु को घेर कर उसका वध कर दिया। महाभारत में अभिमन्यु तो चक्रव्यूह नहीं भेद सका, लेकिन महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में आज भी चक्रव्यूह रचने और भेदने का खेल खेला जाता है। महाभारत में जिस चक्रव्यूह का प्रसंग आता है उसका अर्थ है कि सैनिकों का ऐसा जाल जिसमें कोई भी योद्धा आसानी से पार ना पा सके, यानी निकल ना सके। कई हजार सैनिक मिलकर कई किलोमीटर की दूरी तक एक ऐसा चक्र बना लेते हैं जिसमें प्रवेश करके कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता। हर तरफ से शत्रु सैनिकों से घिरे होने के कारण किसी भी योद्धा को आसानी से हराया जा सकता है। महाभारत में केवल कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था। महाभारत में युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही ऐसा माना जाता है कि महाभारत में हरियाणा की एक ऐसी जगह तानेसर से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। उस जगह को आज कुरुक्षेत्र थानेसर के नाम से जाना जाता है। वहां के बच्चे को चक्रव्यूह भेदना आता है। जी हाँ, बच्चे को चक्रव्यूह आता है, यानी यहाँ पर चक्रव्यूह रचना और उसे भेदने का एक खेल खेला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को ये कला प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। कई घंटे खेलने के बाद भी जीत हार का फैसला नहीं हो पाता। मुख्य रूप से यहाँ पर अमीन यानी कुरुक्षेत्र हरियाणा नाम का एक गांव है, और यहाँ आज भी बच्चे गलियों गलियों में इस खेल को खेलते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक किला है जहाँ पर वीर योद्धा अभिमन्यु की वीरता की कहानियां सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो कभी भविष्य में आपको इस गांव में जाने का अवसर मिले या इस महान क्षेत्र के आसपास जाने का मौका मिले तो अवश्य जाइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमारे इस वीडियो की चक्रव्यूह में घुस तो चुके हैं, बिना लाइक करे और बिना कमेंट करके बाहर मत निकलिएगा। धन्यवाद।